जरूरी थोड़ा यार रोना है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी ठीक ही होंगे। कुछ दिनों बाद एक नया ब्लॉग, और इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ नाभा पटियाले। शिवांश क्या कर रहे हो आप? नाभा पटियाले क्योंकि मेरे मामा जी की लड़की शादी है और हम बहुत एक्साइटेड हैं, पर बहुत लेट हो चुके हैं इस वक्त। और मामी जी गालियाँ निकालेंगे जब हम पहुंचेंगे ना, क्योंकि वो कह रहे थे कि सुबह जल्दी आ जाना, बट तैयारियां करते क्योंकि हमने अभी पैकिंग भी नहीं करी थी, कुछ भी नहीं करा था, तो फिर इतना लेट हो गए और इतना टाइम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो हेलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए? नाभा के लिए। मामा जी की लड़की की शादी है और सारे एक्साइटेड हैं हम सारे। पर सबसे पहले तो मामी की गालियाँ पड़ेंगी बेटे, उसको याद रखिएगा। हम पता क्या करेंगे, हम ना जैसे ही एंटर करेंगे ना, फटाफट मामी की वीडियो बना लेंगे। हां जी मम्मी, हम पहुंच गए पहुंच गए। सही बात, सही बात। थोड़ी देर के लिए बच जाएंगे। और इन्होंने यार मुझे तो पीछे ऐसे बैठा दिया जैसे बागम बाग में अक्षय कुमार को नहीं बैठा देते यार, पूरा बजा हूं मैं। अच्छा ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं। आपका क्या कहना भाई, आप क्या एक्साइटेड हो पूरे? ओके तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक फास्ट टैग नहीं लगा है, और कैसे डंडे इन्होंने लगा रखे हैं ना यार। जल्दी दे इनको पैसे। यहाँ पे क्या सिस्टम है? ठीक है, ओके भाई। ओ डंडा दे, राम राम भाई, डंडा दे किस रोड पे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल में नाभा में, जहाँ पर आज। हाँ भाई, हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था, प्लेस पे, होटल में। सर प्रिय होटल है, बहुत बढ़िया ये होटल लग रहा है। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं नाभा में। हेलो मम्मी जी, कैसे हो? ब्लॉग बन रहा मम्मी गाइस, ये हमारी मम्मी की, ये हमारी मम्मी ने शादी है। पूरे भारत के और जी उर्वशी जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको, आपका व्लॉग बन रहा है। तो फिर अच्छे से स्माइल करो, अच्छे से मेहंदी लगाओ। तो मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको क्या एक्साइटमेंट हो रही है, क्या रोना आ रहा है कि आपको दिल्ली छोड़ के नाभा आना पड़ा? मुझे लग रहा है मैं विदाई पे भी पता नहीं रो पाऊंगी। तो फिर जरूरी थोड़ा यार रोना है। और भैया आपका क्या कहना है, आप भी कुछ कहना चाहोगे? ये नाभा के स्पेशलिस्ट मेहंदी आर्टिस्ट हैं, देखो कितनी अच्छी इन्होंने मेहंदी लगाई है। अपना एक बार भैया नाम बता दीजिए आप हमारे ब्लॉग में। हमारा लक्की प्रोफेशनल मेहंदी आर्ट है जी, लक्की ज्वेलर्स नाभा, सिनेमा रोड, सिनेमा रोड। और ये है हमारी मासी जी, और ये मासी जी भी बहुत खुश है। हाँ जी मासी जी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा जी। आप अपनी भांजे की शादी में आए हैं और यहाँ मेहंदी लगा रहे हैं? भतीजी की शादी में मेहंदी लगा भतीजी रहे हैं। ओ सॉरी, भतीजी मेरी लगी वो। अच्छा, मैं अपने भांजों को देखकर बहुत खुश हूँ, अपनी बहू को देखकर भी बहुत खुश हूँ। कौन सी बहू?
बहू मेरी प्रीति बहू है। ये बहू है? हाँ। अच्छा। और कुछ जी? ये इनकी बेटी है। हाँ जी, ये मोदी ता जी मेहंदी लगाने आई है। ये मेहंदी ये लगाएगी क्या? लगवाने आई है? ये लगवाने आई है। अच्छा अच्छा, लगा भी लेती है फिर? तू भी लगा दे वहाँ पे। तो गाइस ये है हमारा रूम और ये है पुष्पा राज और ये रही हमारी प्यारी सी शाइशा। आजा। और ये देखिए एक इस नन्ही को ये सारा दिन फोन में बड़ा है। ओए शिवाश, ये क्या हो रहा है? सारा दिन फोन देखता रहता है और कोई काम नहीं है तेरे को? ड्रामेबाज। सो गाइस चेक करो अपने भाई की लुक, कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना कादल, एकदम कादल। शिवांश ये क्या हो रहा है? वो स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है बाबू। शिवांश वीडियो नहीं बनवानी आपने? इधर तो देखो गजब बेइज्जती है। हाँ जी मम्मी, कैसा फील हो रहा है फिर आपको? कोई बात नहीं। हाँ जी मामा जी, आप खुशी तो होनी चाहिए मामी जी, आफ्टर ऑल काफी दिनों बाद खुशी का मौका आया है। डांस 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 डांस।
फटन गाती फट के लिया हार और मैं भी ताजी चो नचे पूरा परिवार तो हे गाइस अब हमने बहुत एंजॉय कर लिया है, रात के बज गए हैं, 12-1 बज गए हैं और डीजे वाले भी कह रहे हैं अब हमारी बस हो चुकी है, अब इसके बाद हम नहीं बजा सकते। तुम क्या पोज बना रहे हो, वीडियो बन रही है भाई। तो सो गाइस यहीं पर ही ये आज का व्लॉग होता है खत्म और कल आएगा शादी का व्लॉग, तो देखते रहे, स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही प्यार देते रहे अपने भाई को। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।